हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक ऐसे ज़मीन के प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका अगर रोड के किनारे है, तो यदि आप उसमें आप अपना खुद का बिजनेस यानी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या आप खेती करना चाहते हैं, तो आप यदि ज़मीन को खुद से नाप करके आप बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे भी लाठे के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपकी एक रोड है और इस रोड के पास में ही आपका एक क्या है, प्लॉट है, ठीक है। ये मान लीजिए रोड है, रोड से सटा हुआ जस्ट आपका क्या है, एक प्लॉट है ऐसे, ठीक। ये प्लॉट अगर हम देखें तो अगर इसकी प्लॉट की लंबाई आप लाठे के माध्यम से, लाठा जो कि एक लाठा जो कि आपकी लंबाई अगर 99 इंच की होती है, इसके बारे में बात किए हैं कि आपके पास नापने का कोई चारा नहीं है, यानी जरीब नहीं है, या आप भू राजस्व अधिकारी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप खुद से भी जाके उसको एरिया को नाप सकते हैं और बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, आइए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। मान लीजिए ये आपका एक ज़मीन है और इसकी लंबाई जो अगर यहाँ से देखें रोड की यहाँ से तक, तो अगर इसको हम चौड़ाई की बात करते हैं, ये ठीक है, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, और ये आपका कितना है, 120 लाठा है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इधर हम नापते हैं, देखते हैं इधर की वैल्यू, और ये एक त्रिभुजाकार आपका आकार है, ठीक है। मान लीजिए जस्ट ऐसे आपका ये प्लॉट है, इस पूरे प्लॉट को आपको नापना है कि आपका ये प्लॉट का एरिया जो है आपका कितना है। तो इसको अगर नाप रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी कितनी आ रही है, ये आपकी वैल्यू आ रही है 80 आ रही है, 80 लाठा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की लाठा 80 आ रही है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 60 लाठा आ रही है, ठीक है। तो अब इस पूरे एरिया को आप बीघे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस ज़मीन को नाप करके आप लाठे के माध्यम से किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाठा है आपका 80 लाठा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस ज़मीन को नाप कर लिए बीघे में, और बीघे में नापने के बाद इसमें आप जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं, किसानी खेती करना चाहते हैं खेती कर सकते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं फैक्ट्री लगा सकते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। बट आपको पहले, सबसे पहले इसका एरिया पता होगा, तभी तो आप उस एरिए के हिसाब से आप अपना काम को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये एक आयताकार है, ठीक है, और यहाँ एक आयताकार के बाद एक आपका त्रिभुजाकार भी आपका एरिया है। तो दोनों का इसका एरिया अगर हम निकालते हैं, तो आयताकार का एरिया अगर आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनका दोनों का गुणा करना है, यानी ये आपकी लंबाई हो जाएगी, अगर चौड़ाई इसको आप मान रहे हैं, ठीक है, तो ये लंबाई आपकी हो जाएगी 60 लाठा, 120 लाठा चौड़ा। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ तक की आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी 80 हो जाएगी, यानी 60 हो जाएगी, यानी इधर आपका कितना बच रहा है, 20 लाठा बच रहा है, ठीक, 20 लाठा आपका इधर जमीन बच रही है। तो इसका और इसका दोनों का अगर एक का एरिया और दूसरे का एरिया निकाल कर हम जोड़ दें, तो पूरे प्लॉट का आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस जो आयताकार है इसका हम एरिया निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 60 लाठा है, यानी इसका 60 का गुणा और गुणित 120 लाठा है, ये आप करेंगे गुणा, ठीक है। इनका अगर हम गुणा करते हैं तो 12 6 72, यानी कितना आ रहा है, ये 7200, ये आपका कितना जा रहा है, वर्ग लाठा में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग लाठा। अब इसको अगर बीघे में कन्वर्ट करना है, तो इसके पहले जितने वीडियो बनाए हैं उसको अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो निश्चित रूप से आपको बात समझ में आएगी। यदि इसको बीघे में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि एक बीघा बराबर जो होता है, एक एक बीघा बराबर आपका होता है, ये होता है 400 वर्ग लाठा, ठीक है, ये 400 वर्ग लाठा होता है, यानी अगर बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 400 वर्ग लाठा को अगर 400 से भाग कर देंगे बीघे में, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग लाठा, एक वर्ग लाठा बराबर आ जाएगा, एक वर्ग लाठा बराबर अगर 400 से भाग कर देते हैं तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आपका 7200 को अगर हम 400 से अगर भाग दे देते हैं तो ये बीघे में बदल जाएगा, ठीक है, बीघा में बदल जाएगा। ये दो जीरो, ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, यानी 18 बीघा तो आपका क्या हो गया,
ये वाली वैल्यू आ गई, यानी आपका यहाँ से प्लॉट है ये आपका 18 बीघा आ गया, ठीक है 18 बीघा, ये यूपी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है यूपी की। तो ये 18 बीघा आपका ये जमीन आ गया। अब बात करते हैं ये जो क्षेत्रफल है, आप देखिए अगर ये एक लोगों का होता पूरा प्लॉट, ठीक है अगर एक लोगों का होता तो आप इसको क्या करते हैं, एक लोगों का 18 बीघा, मान लीजिए ये तीन लोगों का है, ठीक है तीन लोगों को अगर बांटना हो, आपको तीन लोगों को बांटना भी हो तो इसको क्या करेंगे आप, जितने लोग हम जितने लोगों में हिस्सेदारी करनी है उनसे इसमें भाग कर देंगे, यानी अगर हम इसमें तीन से भाग कर देते हैं तो तीन लोगों में तीन छंग 18, यानी एक लोगों का हिस्सा जो आएगा, एक लोगों का भाग जो आएगा वो 6 बीघा आएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 6 बीघा जो एक लोगों का, यानी एक 6 बीघा ये पूरे प्लॉट का एरिया आ गया। अब इसको भी अगर हम तीन भागों में, जैसे इसको हमने बांट दिया, ठीक है कितने भागों में, ये तीन भागों में अगर बांटा तो देखिए ये तीन भागों में अगर बांटे हैं तो बराबर बराबर आ जाएगा, यानी इतना इतना भाग आ जाएगा, ठीक है। अब इस तीन भागों को तो हमने सामने जो भुजा है, यानी प्लाट जो है इसका हमने तीन भागों में बांट दिया, यानी 6-6 बीघा सबका आ गया, इनका आ गया 6 बीघा, इन भाई का भी आ गया 6 बीघा, इन भाई का भी आगे आ गया 6 बीघा, ठीक है 6-6 बीघा तो जमीन आ गई। अब बची ये वाली जमीन त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार जो जमीन है अगर इसको अगर बांटना है आपको तो क्या करेंगे, ये अगर आपको बांटना है तो देखिए एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि आप इसको है डायरेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से, इन जो पॉइंट बना हुआ जहाँ पे ये भाग इनके कटे हुए हैं, अगर इनको आप बराबर यहाँ से मिला देते हैं प्रॉपर, तो ये देखिए ये जो मिला देंगे ना तो ये बराबर बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है बराबर बराबर क्षेत्रफल तो हो जाएगा, बट ये है कि इनका भाग पतला सकरा हो जाएगा, सकरा मार्ग हो जाएगा, जिनकी वजह से इनको सही नहीं रहेगा, ये चाहेंगे कि हम पूरा पूरा अपना भाग लें, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के तीन से भाग कर देंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, बराबर बराबर भाग, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे पूरे त्रिभुज का, यानी यह देखिए ये त्रिभुज है उसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये आपकी 120 लाठा है, ठीक है और ये आपका 20 लाठा है, यानी अगर इसको हम गुणा करते हैं दोनों का 120 अगुणित 20 अब बटे दो करना पड़ेगा, ठीक है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई बटे दो करना पड़ता है, तो ये अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है 10 तो 12 ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है 1200 हो जाएगा। अब 1200 को आपको बीघे में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या बोला था हमने 400 से भाग करना है, तो 400 से अगर भाग कर देते हैं तो डायरेक्टली इसका कितना आ गया 4 × 3 = 12, यानी 3 बीघा आपका पूरा जमीन आ गया, ठीक है 3 बीघा आपका ये पूरा जमीन आ गया। ये जब 3 बीघा हो गया आपका तो एक एक बीघा एक लोगों का आ जाएगा, यानी अगर इसको हम करें तो एक एक बीघा इन भाइयों का मान यहाँ से भी आ जाएगा, एक एक बीघा, ठीक है एक एक बीघा का मतलब क्या हो गया, एक बीघा एक लोगों का, यानी एक बीघा बराबर आपका होता है, एक बीघा बराबर क्या होता है आपका, एक बीघा बराबर आपका होता है ये 400 लाठा, ठीक है 400 वर्ग लाठा, यानी अगर इनकी लंबाई को देखा जाए इन 400 वर्ग लाठा जो आपका आया है, अगर इसको हम क्या करें इसको हम दो से भाग कर दें, या आपका क्षेत्रफल जैसे कितना लाठा हो गया इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे इसको, यानी ये आपका 400 है, ठीक 400 वर्ग लाठा है, यानी कितनी लंबाई इनकी आएगी, कितनी लंबाई इनकी आएगी, तो एक वर्ग लाठा यानी आपका अगर एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 × 20, ठीक है फ्रेंड्स 20 × 20 ये तो आपका हो गया लाठा में, जो कि आपका ये आयत का होता है, यानी 20 ये हो जाएगा 20 लाठा और 20 लाठा इधर हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है त्रिभुजाकार है, यानी इसमें क्या करेंगे आपको अगर लंबाई निकालनी है, क्योंकि त्रिभुज का अगर लंबाई की बात करते हैं तो 1/2 होता है ये आपका लंबाई अगुणित चौड़ाई होता है, ठीक है फ्रेंड्स ये आपका 400 के बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे दो से गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 800,
800 बराबर ये आपका लंबाई और गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर लंबाई चौड़ाई सबकी बराबर नहीं है तो इनको आप यहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे, यानी एक बीघा इनका आ गया, एक बीघा ये आ जाएगा आपका और एक बीघा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, पूरे सभी भाइयों का हिस्सा जो आ जाएगा ये आपका 7 बीघा एक लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार। यदि किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो में अंत में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो मिल जाएंगे, आई बटन पे आपको वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।